पहले आप ये वीडियो देखिए। मुझे अगर प्रोटीन पाउडर नहीं लेना है और मुझे नेचुरल सोर्सेज लेने हैं तो मैं उसमें क्या ले सकती हूँ ये मुझे बताना, क्योंकि मैंने सुना है कि प्रोटीन पाउडर लेने से किडनी खराब होती है या बाकी सारे ऑर्गन्स पे उसका असर होता है। तो मुझे प्लीज़ बता देना कि मैं पाउडर न लेते हुए मुझे नेचुरल तरीके से मैं क्या ले सकती है। क्या आप जानते हो प्रोटीन हमारे हार्मोन सेल्स और मसल टिश्यूज को हेल्दी बनाता है? प्रोटीन बोलते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले तो ये सवाल आता है। इसके बेनिफिट के बारे में जानोगे तो कभी ऐसा नहीं सोचोगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। लॉन्ग टाइम आपको फुलफिल करवाता है, आपके मसल्स और स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी करता है। नाइट में जब बहुत ज्यादा भूख लगती है ना, उसके तलब को भी कम कर देता है। मेटाबॉलिक को बूस्ट करके फैट बर्न को इंक्रीज कर देता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है ना, तो उसको एक मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये हमारे वेट लॉस को मेंटेन करने के लिए भी हेल्प करता है। फ्रैक्चर्स और ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क जो होते हैं ना, उसको भी रिड्यूस कर देता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब बताइए, क्या प्रोटीन हमारे लिए अभी भी हार्मफुल है? फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई प्रोटीन पाउडर यूज नहीं करना है, तो मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेके आया हूँ जिसका नाम है प्लान बेस्ड प्रोटीन। तो उससे मेरा क्या फायदा? ये वो प्रोटीन है जो प्लांट्स और कर्ब्स में पाया जाता है और ये वेगन प्रोटीन सोर्स है। जैसे कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन है ना, मीट पोल्ट्री और डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है, वैसे ही हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन से ना पल्सेस लेग्यूम्स ग्रीन्स सोया प्रोडक्ट एंड नट्स एंड सीड्स से मिलता है। इसमें ना काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट भी है। इसमें सैचुरेटेड फैट का लेवल है ना काफी लो पाया जाता है। ये फाइबर में काफी ज्यादा हाई लेवल का फाइबर देता है। इसमें ना विटामिन और मिनरल भी काफी अच्छा मिलता है और ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है। अरे कहना क्या चाहते हो? एनवायरमेंटली फ्रेंडली भी है। रिसर्च ने ये प्रूफ किया है कि बड़े और सीरियस बीमारियों को भी कम कर देता है। रिसर्च ने हमें ये भी सजेस्ट किया है, अगर हम एनिमल बेस्ड प्रोटीन की जगह प्लांट बेस्ड प्रोटीन यूज करते हैं तो बड़े और सीरियस बीमारियों को भी कम कर देता है, लाइक टाइप 2 डायबिटीज, कैंसर्स, हार्ट डिजीज जैसे बीमारियों को भी कम कर देता है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। बहुत सारे लोगों का ये कमेंट होता है कि हमें ना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीजें हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन इसमें भी काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन में ना काफी ज्यादा भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं जो हमारे जो डाइजेशन को ना उसको भी संभालता है। अगर आप ये प्रोटीन सोर्सेस यूज करते हो तो इसमें अच्छे तरीके का प्रोटीन और फाइबर मिलता है जो हमारे वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है। चलिए हम लोग अभी प्लांट बेस्ड प्रोटीन सोर्सेस के बारे में जानते हैं। बीन्स, लेग्यूम्स, ब्रोकली, लैटिस, ओट्स, किनोवा, सीड्स, नट्स, नट बटर, एडामामे, सोयाबीन फली, वीट प्रोडक्ट, सोया प्रोडक्ट, प्रोटीन रिच वेजिटेबल एंड एक्सेट्रा। इतने सारे प्रोटीन सोर्सेस है गाइस। बात तो सही है। आजकल तो मार्केट में काफी ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल जाते हैं जो वेज के सब्स्टिट्यूशन है फॉर अ वेगन, जो प्रॉपरली वेज है, जैसे कि सोया मिल्क, सोया टोफू, सोया चीज एक्सेट्रा, जिसमें आपको भरपूर अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है। और आप चिकन और एग की जगह पे चेक पीस और चेक पीस फ्लोर अब भी आप यूज कर सकते हो, जिसमें आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम एक्सेट्रा मिल जाता है। ये सब हमें प्लांट ग्रेन्स और प्लांट बेस्ड प्रोटीन में भी मिल जाता है, जो आप प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से कई सारे डिलीशियस डिशेस भी बना सकते हो और आप अपने आप को प्लस अपनी फैमिली को भी हेल्दी बना सकते हो। नेचुरल फ्लेवर को एंजॉय करते हुए अपने आप को स्लिम, फिट और हेल्दी बना सकते हो। होप सो इस वीडियो से आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। बाय बाय।